स्टार्ट। गुड मॉर्निंग बच्चों, पिछली क्लास में मैंने पार्ट वन पृथ्वी के अंदर ताक झांक पढ़ाया था, क्लास सेवन का ज्योग्राफी। अभी मैं क्लास सेवन का पार्ट दो चट्टान एवं खनिज लेकर आई हूँ। बच्चों, आप लोग को एक चीज पता होगा कि अभी सड़क बनाने का कार्य बहुत जोर शोर से चल रहा है। सड़क बनाने के लिए रंगीन कलरफुल पत्थर बिछाए जा रहे हैं। ये कलरफुल पत्थर कहाँ से आते हैं? तो ये जरूर ही चट्टानों का टुकड़ा है। ये चट्टान पहाड़ी इलाकों से ही आते होंगे। ये जैसे में गया हो गया, राजगीर हो गया, झारखंड, इन सब जगह से हमारे यहाँ पत्थर लाए जाते हैं। ठीक है, अब हम चट्टान का यहाँ जिक्र है तो चट्टान बहुत तरह के होते हैं। ये कलरफुल बहुत तरह के चट्टानों से निकल के आते हैं। जैसे चट्टान के तीन प्रकार होते हैं, ठीक है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान क्या होता है? आग्नेय चट्टान जो होता है, जब ज्वालामुखी निकलता है या पृथ्वी के अंदर से खौलता हुआ जो बाहर निकलता है पदार्थ, वो धीरे धीरे ठंडा होता है। तो कुछ धरती के अंदर जमीन, मतलब जिस सतह पे हम रह रहे हैं उसके नीचे ही कुछ ठंडा हो जाता है, कुछ ऊपर में आके ठंडा होता है, जिससे आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। क्योंकि एक तरह का अग्नि के द्वारा बना होता है, इसलिए इसे हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण हम ले सकते हैं, जो पृथ्वी के अंदर चट्टान जो ठंडा होके बना चट्टान वो ग्रेनाइट हो गया, और जो पृथ्वी के ऊपर में आकर निर्माण हुआ चट्टान वो बेसाल्ट हो गया। ठीक है बच्चों, अब सेकंड आते हैं अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान भी दो तरह से बनते हैं, एक पानी के अंदर, एक पानी के बाहर। अवसादी मतलब अवसादों को इकट्ठा होने में, जो इकट्ठा होकर परत बाई परत वो जमते चले जाते हैं, और एक अत्यधिक दाब और ताप के कारण वो चट्टान क्या हो जाते हैं, मतलब चट्टान का रूप ले लेते हैं। वो परत, हर एक परत मिलकर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक चट्टान का निर्माण कर देते हैं, जिसे अवसादी चट्टान कहते हैं। ठीक है बच्चों, पानी के अंदर आपने देखा होगा कि चूना पत्थर का निर्माण होता है, जो अवसादी चट्टान है। ठीक है, पानी के ऊपर आप देखे होंगे कि बालू पत्थर होते हैं, जो अवसादी चट्टान ही होते हैं। अब हमारे घर में सिलवट का यूज़ होता है, फिर आटा पीसने वाले जो चक्की होते हैं, वो जो पत्थर है वो बालू पत्थर का ही उदाहरण है। ठीक है बच्चों, अवसादी चट्टान क्लियर है। तीसरा है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान क्या होता है? तो आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान पे बहुत अधिक दबाव और ताप पड़ने की वजह से ये क्या में बदल जाते हैं? ये रूपांतरित में बदल जाते हैं। ठीक है, इनका हर एक गुण अलग होने लगता है अपने मूल चट्टान से, जो रूपांतरित चट्टान कहलाता है। ठीक है, रूपांतरित चट्टान को कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। जैसे में हो गया संगमरमर, नाइस। अभी संगमरमर किसका रूपांतरण है? तो चूना पत्थर पे जब अधिक दबाव और ताप बढ़ता है तो ये संगमरमर का निर्माण करता है। ठीक है, और जब ग्रेनाइट पे बहुत अधिक दाब और ताप पड़ता है तो वो नाइस का निर्माण करता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से रूपांतरित चट्टान भी क्लियर है। अब एक पॉइंट आता है बच्चों कि जीवाश्म में क्या होता है। तो चट्टानों का जब हम लोग देखते हैं कि चट्टान रूपांतरित चट्टान में देखें कि परत बाई परत जब अवसाद सटने लगते हैं और चट्टान का रूप ले लेते हैं, तो उस बीच पेड़ पौधे या जीव जंतु भी मरकर उसमें दब जाते हैं, जो एक तरह का जीवाश्म का रूप हो जाते हैं। मतलब बहुत अधिक दाब और ताप के कारण सैकड़ों हजारों साल बाद वो जीवाश्म का रूप ले लेता है। ठीक है बच्चों, तो जीवाश्म भी क्लियर है। तीसरा पॉइंट है मेरा खनिज। अब खनिज, जिस तरह से चट्टान बनता है उसी तरह से चट्टानों के तरह हमारे यहाँ खनिज का भी, इन्हीं चट्टानों में खनिज भी पाए जाते हैं, जिसे हम लोग, ये बहुत ही मूल्यवान होता है, भूगर्भ से निकाला जाता है इसे, इसलिए इसे हम लोग रत्न गर्भा भी करते हैं। ठीक है, अब खनिज कितने तरह के होते हैं? धात्विक और अधात्विक। धात्विक में जो होता है लौह युक्त होता है और एक अलौह होता है। लौह युक्त मतलब जिस खनिज में लोहा का मात्रा होगा उसे लौह युक्त कहते हैं। ठीक है, और जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होगी उसे अलौह कहते हैं। जैसे अलौह में क्या हो सकता है? सोना चांदी हो गया, ये सब अलौह है। जस्ता हो गया, सीसा हो गया, ये सब अलौह है। लौह युक्त में क्या हो जाएगा? इसमें मैंगनीज वगैरह हो जाएगा। ठीक,
ठीक है। अब यहाँ पे अधात्विक दूसरा जो पार्ट है अधात्विक, इसमें कार्बनिक होता है और अकार्बनिक होता है, ठीक है। कार्बनिक में आपका क्या हो सकता है, कार्बन, कोयला आपने देखा है, कोयला जो है वो कार्बनिक है, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाइए पेट्रोलियम, ये भी कार्बनिक है। अकार्बनिक में क्या हो जाएगा, अकार्बनिक में आपका आ जाएगा जैसे हो गया आपका अभ्रक, ठीक है, अभ्रक आपका हो गया, अभ्रक है और ग्रेफाइट है, ये सब अकार्बनिक हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों।